पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने निभाया दोस्ती, सूर्यकुमार यादव को बनाया जीजा, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे इसी वीडियो में। लेकर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो दिल से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिना समय लेते दोस्तों आई वीडियो को शुरू कर देते हैं। और अगर मैं आपको बताता चलो, सूर्यकुमार यादव और कैनात इम्तियाज बहुत जल्द शादी करने जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों बता दो कि सूर्यकुमार यादव बन गए पाकिस्तान के दामाद और बाबर आजम के बने जीजा और बहुत जल्द शादी करते हुए नजर आएंगे। T20 वर्ल्ड कप मैच खत्म होते ही कैनात इम्तियाज शादी करते हुए नजर आएंगे सूर्यकुमार यादव के साथ में। वहीं पर दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा दिन से अफेयर चल रहा था सूर्यकुमार यादव के और कैनात इम्तियाज के, लेकिन अब दोस्तों बदल गया है रिलेशन में और बहुत जल्द शादी करते हुए नजर आएंगे कैनात इम्तियाज। और फिर मैं आपको बता दूं कि बाबर आजम के घर के पास ही है कैनात इम्तियाज के घर, और बाबर आजम ने कहा है सूर्यकुमार यादव को शादी करवाने के लिए, और चचेरी बहन लगती है कैनात इम्तियाज बाबर आजम के, और बहुत जल्द जीजा बनेंगे दोस्तों बाबर आजम के सूर्यकुमार यादव। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप मैच खत्म होते ही वैसे ही दोस्तों जैसे मैच खत्म होगा वैसे ही बहुत जल्द शादी करते हुए नजर आएंगे कैनात इम्तियाज और बाबर आजम के बहन लगते हैं दोस्तों, और सूर्यकुमार यादव के साथ शादी करवा देंगे बाबर आजम। कैनात इम्तियाज बहुत ही ज्यादा सुंदर है खूबसूरती में दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान के बहुत ही ज्यादा महिला टॉप मानी जाती है कैनात इम्तियाज। वहीं पर मैं आपको बता दूं सूर्यकुमार यादव का दिल आ गया था और बहुत जल्द शादी करते हुए नजर आएंगे कैनात इम्तियाज सूर्यकुमार यादव के साथ में। वहीं पर मैं बता दूं T20 वर्ल्ड कप मैच खत्म होते ही सूर्यकुमार यादव और कैनात इम्तियाज शादी दोनों रचा लेंगे। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सूर्यकुमार यादव को पाकिस्तान में शादी कर लेना चाहिए या फिर नहीं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी राय जरूर आप हमें भेज सकते हैं।